Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. स्वाभाविक तौर पर पर्याप्त संख्या में वहां पर पहले से ही नए वेरिएंट आए ना आए, इससे पूर्व से ही जो निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं, केवल अकेले सरकार का कार्य दायित्व न होकर के पूरे समाज का और प्रत्येक उस व्यक्ति का जो पर्यावरण के प्रति कुछ न कुछ समझना चाहता है, अपने दायित्व को निर्वहन करना चाहता है, उन सबको जोड़ने का प्रयास होगा। नए साल में जो सबसे बड़ा आयोजन होना है वो माघ मेला है, जो प्रयागराज में होगा। 6 जनवरी 2023 से ये शुरू होगा। लेकिन इधर कोविड 19 के फिर से एक आशंका को देखते हुए किस तरह से वो होगा, और उसमें तमाम कार्यक्रम होते हैं जिसका आयोजन किया जाता है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डीजी टूरिज्म मुकेश मेश्राम जी। सर, सबसे पहले तो जो माघ मेला है, इतने बड़े स्केल पर सरकार उसको करती रही है, इस बार उसके लिए क्या तैयारी है पर्यटन विभाग की तरफ? देखिए, माघ मेले की तैयारी हमेशा की भांति पूरी तरीके से की गई है। स्थानीय प्रशासन, मेला अधिकारी, जो कुंभ मेला अधिकारी होते हैं, जो माघ मेले का भी आयोजन हर वर्ष करते हैं, उनके द्वारा विभिन्न विभागों के साथ में तालमेल बिठाते हुए इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। खासतौर पर जो अलग अलग तिथियां होती है उसमें संभावित लोगों की भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए तैयारियां की जाती है। लेकिन जैसा कि नए वेरिएंट की चर्चा हो रही है और उस पर जो एडवाइजरी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी, और एडवाइजरी उनके द्वारा जारी करना प्रारंभ कर दी गई है, उसका पूरा पालन कराते हुए इस आयोजन को अच्छी तरीके से संपन्न कराया जाएगा। और जो भी हेल्थ संबंधी या नए वेरिएंट के संबंध में जैसे जैसे उसके प्रोटोकॉल नियत किए जाएंगे, उस प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा। सर, देखा यह जाता है कि स्नान डेट्स जो हैं उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जो दबाव है भीड़ का वो बढ़ जाता है, जिसमें मकर संक्रांति से लेकर मौनी अमावस्या तक है। उसके लिए क्या कुछ अलग से कार्ययोजना बन रही है? देखिए, कार्ययोजना तो स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञों की राय लेकर के उसके आधार पर तय करता है। मूल जो भावना होती है कि उसकी ट्रेसिंग है ना, डिटेक्शन, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, ये एक पूरा कंप्लीट प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो किया जाता है। और इसी क्रम में स्वाभाविक तौर पर पर्याप्त संख्या में वहाँ पर पहले से ही नए वेरिएंट आए ना आए, इससे पूर्व से ही जो निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं कि सफिशियंट संख्या में हेल्थ टीम्स, हेल्थ वर्कर्स अपने कैंप्स लगा करके जगह जगह पर वहाँ पे विद्यमान रहेंगे। बाकी जैसे तय होगा उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत फिर किन की टेस्टिंग करनी है, नहीं करनी है, ये सारा का सारा तत्समय में निर्धारित किया जाएगा। सर, पर्यटन विभाग इस बार किस तरह के कार्यक्रम वहाँ कर रहा है? क्या अलग से कोई आयोजन होंगे माघ मेले में? क्योंकि हर बार इसको एक बड़े इवेंट के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार दिखाती रही है। देखिए, ये चूंकि गंगा जी अविरल, निर्मल, सतत प्रवाहित होने वाली, कैसे हम उसको लोगों के अंदर एक जागरूकता का भाव भी पैदा कर सकें, जो इसकी पवित्रता है उसकी पवित्रता सही मायने में यह है कि नदी स्वच्छ रहे, साथ ही साथ उसको हमने माँ माना और उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, उसको भी भली भांति हम निर्वाहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए नमामि गंगे के अंतर्गत भी बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम, साथ ही साथ स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, और अब जो ये तय हुआ है कि प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देते हुए प्रदूषण मुक्त रखा जाए इन जल धाराओं को, तो उसके बारे में भी वहां पर, तो ये कुल मिलाकर के न केवल एक स्नान नहान का ही आयोजन बने, बल्कि लोग अपनी संस्कृति को, नदी संस्कृति को जाने समझें, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना हो, और साथ ही साथ
यह केवल अकेले सरकार का कार्य दायित्व न होकर के पूरे समाज का और प्रत्येक उस व्यक्ति का जो पर्यावरण के प्रति कुछ न कुछ समझना चाहता है, अपने दायित्व को निर्वहन करना चाहता है, उन सबको जोड़ने का प्रयास होगा। बिल्कुल, तो ये है मुकेश मिश्राम जो ये बता रहे थे, डीजी टूरिज्म की कार्यक्रमों का आयोजन होगा लेकिन जो प्रोटोकॉल का पालन है वो किया जाएगा, जिस तरह से एडवाइजरी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग विभाग मिलकर के कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिसमें इस बार स्वास्थ्य विभाग की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है लेकिन और विभाग भी, क्योंकि एक बड़ा आयोजन प्रदेश सरकार करवाती है और इसमें बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, उसको देखते हुए इसकी रूपरेखा तय की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।